हमें उज्मा के भी 2 पैकेट थे ना, वो भी ओ लेके। हाँ, तौबा तौबा, कितनी गर्मी है। पुअर लोग, इतनी देर से तुम्हारा दरवाजा पीट रही हूँ। अच्छा झूठ मत बोलो, 2 घड़ी सबर नहीं है तुम्हारे अंदर। बैठने का नहीं कहोगी? नहीं खैर, मैं एक बहुत बड़ी खबर लेकर आई। क्यों, क्या चिरागों ने शादी से इनकार कर दिया है? बड़ी इज्जत अफजाई हुई उसकी मेरे हाथ से। अरे वो तो बहुत खुश हुआ है तुमसे पिटने के बाद। तो फिर क्या खबर है? अरे खबर ये है कि मजहर जिंदा है। क्या हाँ तो बेटा अब क्या करना है? करना क्या है बाजी, अब तो बस बीना से शादी करनी है। मेरे शादी ऑनलाइन बेटे, मैं काम की बात कर रहा हूँ। करोड़ों रुपए कमा के दे दिए मेरे बच्चे ने, पर तुम्हारी लालच खत्म नहीं होती बूढ़े। अरे करोड़ रुपए तो तुमने अपनी अय्याशियों में उड़ा दिया, अब बाकी करोड़ का तो कुछ करना है ना। अरे क्या हो गया आप लोगों को, क्यों लड़े? कारोबार तो वैसे ही हमारा है, बस उसको थोड़ा बढ़ाते हैं। बसों का काम? नहीं यार पास ना, थोड़ा मॉडर्न काम से काम करेंगे। इतना ही बात सुन, मैं ये सोच रहा था कि 2-4 गाड़ियां खरीदेंगे और फिर उनको रेंट पे चढ़ा देंगे। दिल खुश कर दिया मेरे बेटे ने। अभी बच्चे का दिल खुश कर दो ना। अच्छा इसका? हाँ हाँ बोल बेटे, बोलो मेरे बच्चे। भाई उपटन बाजी से बात करो बीना की और मजर की शादी की, और क्या क्या बात करनी, उधर तो ऑलरेडी रिश्ता पहुंच चुका है। अरे उस कबाड़िए की ये मजाल, हम मुगल है मुगल। जब ही इतने अय्याश हो, ये मुगलों की अय्याशी नहीं ना, दबो कर रखा था उन्हें। अरे नाजो सुई थी, आज तो कुछ मीठा बोल लो है। जुबान तुम्हारी ना करेले और नीम से बनी हुई है, मुझे तो पता है। अरे छोड़े यार आप लोग अपनी लड़ाई, मैं जो हूँ ना आबिद से बात कर रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि आप लोग उपटन बाजी के घर मेरा रिश्ता लेके जा रहे हैं। कह दो शेखो, और आपको ना ये अमीर होने को ज्यादा सूट नहीं कर रहा। वैसे ठीक इसी बात करके गया है मेरा बेटा। सुनो शेखू की अम्मी, अगर आइंदा तुमने मेरे बाप दादा के बारे में कोई बात की तो हम तुम्हें दिल की दीवार में चुनवा देंगे। क्या बोलो, मेरे मुजर की शादी की बात करने आना चाहते हैं? भाई मजहर ने तो मुझसे यही कहा है, कहा है कि उपटन बाजी से पूछ लो। उनसे पूछने क्या जरूरत है, तुम जाओ जाके बोल दो उनके माँ बाप को कि आ जाए रिश्ता लेके, हम तैयार हैं। ऐसे कैसे भेज दें, मैंने चिरागों को जुबान दी भी है। तो आपने जुबान दी है, मैंने तो नहीं दी ना। उपटन बाजी, अगर आपने जुबान दी होती ना तो हमारे साथ इस तरह बैठकर बात तो नहीं कर रही होती ना आप। ना ये शादी है, कोई मजाक नहीं है। लो सुना तुमने, बताओ जरा अम्मी को कि दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है कौन? चिरागों। वो तुम्हारी किस्मत बदल देगा। तो कैसे समझाऊं मैं आपको, अम्मी वो मजहर भी बना सकता है। अरे उसके पास मोहल्ले में सबसे महंगी गाड़ी है। इस कंगले को क्यों हंसी आ रही है? देखिए आप, पहली बात तो ये है कि मैं कंगला नहीं हूँ, करोड़पति मजहर का मैनेजर हूँ, और दूसरा ये कि मजहर गाड़ियों का शोरूम खोल रहा है। अच्छा क्या वाकई? जरा सोचे, मजहर पढ़ा लिखा है, करोड़ों के अरबों रुपए बनाएगा, और वो रागू जाहिल का जाहिल ही रह जाएगा। तुम्हारी तरह। अरे अब नहीं, अब नहीं उपटन अप्पा, आप मुझे कुछ भी कह लें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब तक मजहर मेरी जेब में नोट डाल रहा है ना, मुझे किसी की बात बुरी नहीं लगी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो अगर मैं उन लोगों को घर पे बुला भी लूं तो फिर रजिया का क्या होगा? अरे उपटन आपा, आप उसकी छोड़ दें, रजिया के साथ वैसे भी मैंने बड़े हिसाब किताब पूरे करने, मैं देख लूंगा। मुझे तो मजहर बहुत पसंद है, ये तो कितने महीनों से मेरे घर में राशन भी डलवा रहा था ना। बेटे कितने महीनों से?
पता है उसके मरने की खबर सुन के तो